दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने कुछ इस तरीके से जो है कुछ ऑडियो एम्पलीफायर के बोर्ड और कुछ काफ़ी सारे लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैंने ऑर्डर किया है। तो दोस्तों आज जो है हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको पूरा भी ओपन कर कर दिखा देता हूँ। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों अब हम इसको ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पैकिंग में ये हमारे तक आ चुका है। तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर अभी इसको अंदर एक प्लास्टिक में भी इसको पैक किया गया है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जो है यहाँ पर ये ब्लूटूथ पैनल है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मॉडल नंबर P13, और साथ ही लिखा हुआ है यहाँ पर ब्लूटूथ विथ ऑडियो, यानी कि इस वाले जो ब्लूटूथ पैनल है इसमें जो है हमारा स्पीकर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो है हमें एम्पलीफायर लगाने की, यानी कि एम्पलीफायर बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर जो है ऑडियो बोर्ड जो है ऑलरेडी लगा हुआ है। तो दोस्तों इसका जो डिटेल्स में वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो देखिए दोस्तों इसके बाद अभी हम देख लेते हैं, ये देखिए दोस्तों ये जो है सोल्डरिंग और डी सोल्डरिंग फ्लक्स है जो कि लिक्विड में आता है कुछ इस तरीके से। तो इसका भी यूज़ कैसा करते हैं मैं आपको आगे जो है वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिए आपको कौन सा वीडियो देखना है, मैं जो है उसी हिसाब से जो है आपको वीडियो जो है बनाकर दिखा दूंगा। तो देखिए दोस्तों इसके बाद देख सकते हैं ये जो है इस तरीके से यहाँ पर माइक्रो का जो मोबाइल चार्जिंग सॉकेट होता है तो उसी का ये सॉकेट है जो कि इस प्रकार से है। इसका यूज जो है दोस्तों हम काफ़ी जगह पर कर सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है ये IN4060 डायोड है, ये देखिए दोस्तों इस तरीके से। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये 1K रजिस्टर है जो काफ़ी जगह पर जो है यूज़ हो जाता है, कॉट जो कि ये क्वार्टर वाट में है। और इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने इस तरीके से जो है ये लिथियम आयन बैटरी है, ये देखिए दोस्तों 10 पीस जो है मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया था। तो देख सकते हैं दोस्तों इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये 3 mm में रेड LED है जो कि इस प्रकार से है, ये भी हमें काफ़ी जगह पर लग जाती है। और इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से जो है ये रॉकर स्विच है जो कि हमें अक्सर जो है ऑन ऑफ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके बाद ये जो है मॉस्फेट है, ये देखिए दोस्तों TTA1943 जो कि जो दोस्तों 5200 जो ट्रांजिस्टर आता है जिसके साथ में ऑडियो बोर्ड हम देख सकते हैं, तो उसका जो है इसके वाले IC के साथ में वो कनेक्ट होता है, तो इसका जो है पावरफुल ऑडियो एम्पलीफायर बन जाता है। तो दोस्तों इसका जो है ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट जो है मैं आगे बनाकर आपको इसका भी वीडियो जो है चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों देखते हैं अभी अगला जो पार्ट है। तो देखिए दोस्तों अभी जो है यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है, देख सकते हैं दोस्तों इसका जो मॉडल है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, TPA3110 इसका जो है IC नंबर है। और साथ ही देखिए दोस्तों इसका जो है मॉडल यहाँ पर नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है XHA23A। आपको बता दूँ दोस्तों ये जो है स्टेरियो बोर्ड है जो कि 30+30 में आ जाता है, यानी कि टोटल 60 वाट का एम्पलीफायर बोर्ड है। तो दोस्तों इसका भी जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों अगर आपको इसका वीडियो डिटेल्स में देखना है, इसका परफॉर्मेंस देखना है, तो दोस्तों आप फटाफट से कमेंट कीजिए, मैं जो आपके लिए जो इसके जो वीडियो है वो चैनल पर अपलोड कर दूंगा बनाकर। तो इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से ये भी एक
क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है जो कि काफ़ी हीवी है और इसका परफॉर्मेंस की तो बात नहीं है। ये जो बोर्ड है दोस्तों, मैं आपको एक बार इसका नंबर दिखा देता हूँ आईसी का, तो देख सकते हैं दोस्तों ये TPA 3116 इसका जो आईसी है यूज़ किया गया है। और दोस्तों इसका जो मॉडल नेम है तो देखिए दोस्तों XHM542। और दोस्तों इसका अगर आउटपुट की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों ये 100 वाट का जो है ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है जो दोस्तों काफ़ी तगड़ा ये इसका परफॉर्मेंस होता है 100 वाट यानी। तो दोस्तों अक्सर जो है इस बोर्ड का यूज जो है हम काफ़ी जगह कार एम्पलीफायर बोर्ड में करते हैं। तो दोस्तों इसका भी वीडियो जो है मैं आपको डिटेल्स में पूरा टेस्टिंग परफॉर्मेंस के साथ में जो है चैनल पर डाल दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है यहाँ पर मैंने जो है इतने सारे पार्ट जो है यहाँ पर ऑर्डर किया है। तो दोस्तों फटाफट से आपका सबसे पहले कौन सा वीडियो देखना चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं जो आप इसके बारे में डिटेल्स में आपको वीडियो बनाकर दिखा दूंगा। और दोस्तों तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जो है गुड बाय।